A very good morning to all of you, my dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. Today in this class, we are going to discuss about one of the most eminent area of study of public administration that comes under the classical theory of public administration of fifth semester system. And this is very important theory, student. एंड लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे हेनरी फेयल के एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को, उनका कंट्रीब्यूशन को. और आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका सेकेंड पार्ट, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मूनी एंड रैली. और एक वीडियो भी आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ लूथर गुलिक. तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी हम थ्री इंपॉर्टेंट थिंकर्स के कंट्रीब्यूशंस को एनालिसिस कर रहे हैं. उनका जो प्रोपाउंडेड प्रिंसिपल्स है उनको हम यहाँ देख रहे हैं, हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ मूनी एंड रैली. और इसके साथ हम डिस्कशन करेंगे उनका जो फोर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, और साथ ही डिस्कशन करेंगे क्रिटिसिजम्स पार्ट ऑफ दिस थ्योरी अलॉन्ग विद द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थ्योरी आल्सो. सो होप यू अंडरस्टैंड. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ प्रोवाइड योर लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर इट. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब इट. So shall we start? Okay. So students, Mooney and Rayleigh, these two important thinkers, they were the first in USA to formulate the administrative theory, and in which year? 1931, when their book Onward Industry was published. And later on, this book ka ek न्यू नेम से पब्लिकेशन हुआ था, और उसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? 1939. तो मूनी एंड रैली यूएसए के फर्स्ट दो व्यक्ति थे, दो इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को प्रपाउंड किए थे. इन विच ईयर? 1931 में. उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है अनवर्ड इंडस्ट्री, जिसका सेम कंटेंट में उनका और एक बुक आया था, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन 1939 में. तो दिस टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स को याद रखना, 1931 में अनवर्ड इंडस्ट्री आया था, और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सेम बुक है विद अ न्यू टाइटल, इट केम इन द ईयर 1939. तो समझ में आया. तो मूनी एंड रैली, दे प्रोपाउंडेड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन विच ईयर? 1931, विद द बुक ऑनवर्ड इंडस्ट्री, विच केम विद अ न्यू नेम ऑफ द सेम बुक, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन द ईयर 1939. सो दिस बुक्स के माध्यम से मूनी एंड रैली, they formed some of the most important principles of organization. तो इस बुक में हम लोग क्या पाते हैं, some of the important principles of organization को पाते हैं, which are very important to bring about efficiency in the field of organization. वहाँ charts, manuals and four important principles को लेकर मूनी एंड रैली, दे हैड प्रोवाइडेड देयर इम्पॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. सो लेट अस सी व्हाट आर दीज फोर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, इट इज कोऑर्डिनेशन. स्टूडेंट्स, इसको याद रखना, कोऑर्डिनेशन को कौन स्पेशल इम्पॉर्टेंस दिए थे इन द फील्ड ऑफ organizational efficiency, this is Mooney, because Mooney defined coordination as the orderly arrangement of effort to provide unity of action in the pursuit of a common purpose of aim. तो Mooney क्या कहते हैं coordination के बारे में? coordination क्या है? एक orderly arrangement है
of efforts of different officials to provide unity of action. तो एक ऑफिस के अंदर जो एक अरेंजमेंट होता है स्ट्रक्चरल एंड एज वेल एज जो सोशल अरेंजमेंट होता है उस एफर्ट्स में एक यूनिटी ऑफ एक्शन मेंटेन रहता है फॉर व्हाट फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग गोल और सम ऑब्जेक्टिव्स. तो एक ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट रहता है उनके अंदर एक यूनिटी ऑफ एक्शन हर वक्त मेंटेन रहता है फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ऑफ सम इम्पॉर्टेंट गोल्स दैट इज कोऑर्डिनेशन. तो समझ में आया कोऑर्डिनेशन क्या है. एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स जहाँ हम क्या पाते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन को पाते हैं इन द परस्यूट दैट मीन्स इन द डिज़ायर of achieving some important objectives or purpose that is coordination. तो coordination मोनी के हिसाब से this happens to be the first important principle of organization. और इसके साथ और भी some important principles है जिसको लेकर एक organization अपना different objectives को fulfill करता है and includes other principles which are subordinate to it and through which it operates. So Muni observe coordination is no less than the determining principles of organization. So coordination kya hai? Not only it is the orderly arrangement of efforts, not only it provide unity of action, not only it helps to provide an important objective to fulfill, rather it is a determining principle of organization which contain all other principles also, the beginning and end of all organs. So let's see what are the other principles. The second important principle of organization according to Mooney and Reilly, this is scalar process. The students ऑर्गेनाइजेशन को मोनी एंड रेली क्या कहते हैं. हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इट कॉल्ड इट द स्केलर प्रोसेस. तो मोनी एंड रेली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्किकल पोजीशंस को देखते हैं. एक ट्राइंगुलर प्रोसेस, एक ट्राइंगल जैसे कि वहाँ पर एक टॉप रहता है एक बॉटम लेवल रहता है और टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक डिफरेंट स्पीयर ऑफ एक्टिविटीज़ को एक स्केलर प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है जहाँ हर एक प्रोसेस में हम डिफरेंट ऑफिशियल और उनका डिफरेंट फंक्शंस को देखते हैं. टॉप लेवल ऑफिशियल्स को ऑर्डर कमांड गाइडेंस डायरेक्शन प्रोवाइड करते हुए हम देखते हैं. नीचे लेवल की जो बॉटम लेवल की जो ऑफिशियल्स होते हैं वो टाइम टाइम पर रिपोर्टिंग करते रहते हैं. तो उनके जो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक फ्लो होता है ऑर्डर कमांड गाइडेंस नीचे लेवल से ऊपर तक जो रिपोर्टिंग मेंटेन रहता है टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक हर वक्त एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है तभी जाकर ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव्स को गोल्स को फुलफिल करता है. क्योंकि मोनी एंड रेली कहते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं रहता तो ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पाता है. तो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मूनी स्पेशली हैज फोकस्ड कोऑर्डिनेशन इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो स्केलर प्रोसेस क्या है. जैसे कि एक स्केल डिफरेंट लेवल स्पेड ऑफ ड्यूटीज स्पेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ डिवाइड किया जाता है. हर एक ऑफिशियल्स को डिफरेंट लेवल में प्लेस करके उनको सेपरेट सेपरेट ड्यूटीज़ की फंक्शनलाइजेशन और सेपरेट फंक्शंस प्रोवाइड किया जाता है. तो यहाँ हम क्या देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की देखते हैं और डिफरेंट लेवल में डिफरेंट ऑफिशियल्स और डिफरेंट फंक्शंस को देखते हैं और उनके अंदर कोऑर्डिनेशंस को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. और मूनी स्पेशली कोऑर्डिनेशन को फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं.
So according to them, it constitute, that means hierarchy, where there we find scalar process. This is constitute the universal coordination through which, यहाँ W mid क्या है, through which the supreme coordinating authority operates through the whole organization. तो hierarchy को लेकर जहाँ एक scalar process देखते हैं, मोनियन रैली कहते हैं हम लोग, वहाँ क्या पाते हैं, एक यूनिवर्सल कोऑर्डिनेशन पाते हैं टॉप से बॉटम लेवल ऑफिशियल्स तक. तो कोऑर्डिनेशन रहता है, इसी के वजह से होल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स होता है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर पाता है. सो दे स्टेटेड दैट स्केलर प्रोसेस हैज इट्स ओन प्रोसेस एंड इफेक्ट्स. तो स्केलर प्रोसेस जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका एक अपना ही प्रोसेस रहता है. टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक एक फ्लो रहता है और अपना एक इफेक्ट्स को मेंटेन करता है, जो कि अपना रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्पफुल रहता है. This they have referred to as leadership, delegation and functionalism. तो scalar process में जो top level से bottom level तक हम coordination देखते हैं, some of the important ideas are there, some of the important principles are there. What are these important principles? Top level officials जो होते हैं वो leadership, delegation provide करते हैं. और यहाँ जो स्केलर प्रोसेस हम देखते हैं, वहाँ स्केलर प्रोसेस में फंक्शनलिज्म और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को हम देखते हैं. हर एक स्केल लाइक लेवल में, हर एक स्पीयर ऑफ ऑफिस में, हर एक स्पीयर ऑफ लेवल में हम क्या देखते हैं, एक डिफरेंट अथॉरिटी और एक डिफरेंट फंक्शंस, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम देखते हैं डिफरेंटली अपने मेरिट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेसिस से. सो दे आर वी फाइंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड दे आर वी फाइंड एट द टॉप लेवल द स्पीयर ऑफ लीडरशिप क्वालिटी एंड द डेलीगेशन ऑफ डिफरेंट अथॉरिटीज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम लेवल. सो थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय मोनी एंड रैली इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, that is functional differentiation. So first important principle tha coordination, second important principle tha scalar process, and third important principle ko hum kya dekh rahe hain, functional differentiation. That means functions it has been provided to different officials in different field in accordance with their merit, qualification and experiences. Mooney and Rayleigh have suggested that principles should be followed in organizing task into department. तो एक organizations बहुत सारा काम को लेकर चलता है, जिसका बहुत सारा objectives रहता है different field of activities में, different goals को achieve करने में. तो to deal with the different problems in different period of time, it handles different kind of task. So while organizing the task, it must have to create different kind of department to deal with the different kind of problems, to provide different kind of solutions. So here we find organization of task into different kind of department. Because according to him, functionalism means differentiation between various kinds of duties. तो यहाँ हम डिफरेंट टास्क को डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट होते देखते हैं. और जहाँ फंक्शनलिज्म मतलब क्या होता है, ड्यूटीज़ की डिफरेंशिएशन को हम देखते हैं. हर एक ड्यूटीज़ एक ही जगह में नहीं होता है, फुलफिल नहीं होता है. हर एक ड्यूटीज़, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में मेंटेन होता रहता है. सो व्हाट देयर वी फाइंड, डिविजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन.
डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट अथॉरिटीज एंड डिफरेंट फंक्शंस। सो उसको लेकर ऑर्गेनाइजेशन अपना फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को, फंक्शनल डिफरेंशिएशन को मेंटेन करता है, और जो कि अपना रिस्पेक्टिव गोल्स को फुलफिल करने में उसको मदद मिलता है। द लास्ट वन दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन सेड बाय मूनी एंड रेली दैट इज लाइन एंड स्टाफ। तो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की देख रहे हैं, एक ट्राइंगुलर प्रोसेस देख रहे हैं, जहाँ टॉप लेवल ऑफिशियल्स बॉटम लेवल ऑफिशियल्स हैं, और जो बीच में भी डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं इन अकॉर्डेंस विद द स्केलर प्रोसेस। तो जहाँ टॉप लेवल ऑफिशियल्स में हम लोग लाइन एजेंसीज को देखते हैं, टू इम्पॉर्टेंट एजेंसीज आर देयर, लाइन एजेंसीज एंड स्टाफ एजेंसीज। तो लाइन एजेंसीज का काम होता है टॉप लेवल में रह के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को देना, कमांड कंट्रोल गाइडेंस प्रोवाइड करना, और स्टाफ एजेंसी जो रहते हैं उनका काम होता है हेल्प एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो लाइन एजेंसी हर वक्त स्टाफ एजेंसी की मदद लेता है, और उसके हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, एक्सपांसन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो मूनी एंड रेली दे हैव सजेस्टेड दैट द लाइन मैनेजमेंट वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू गेट थिंग्स डन। उसका काम है डिसीजन लेना, ऑर्डर्स प्रोवाइड करना, और जो नीचे लेवल ऑफिशियल्स हैं उसको उस उनके हेल्प को लेकर अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना। सो एट द सेम टाइम दे रिकॉग्नाइज द स्टाफ इन प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो स्टाफ एजेंसी से ड्यून डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम दे टेक द ऑल्सो एडवाइस एंड दे प्रोवाइड ऑल्सो एडवाइस एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड टेक द इंफॉर्मेशन ऑल्सो। सो इसी के हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, एग्जीक्यूटिव की एक्सपांसन देखते हैं। और यहाँ एक बात कहते हैं मूनी एंड रेली, इट मीन्स मोर आइज मोर लेग्स एंड मोर हैंड्स टू एड हिम इन्फॉर्मिंग एंड कैरिंग आउट हिज प्लान्स। तो मूनी एंड रेली के हिसाब से जो यहाँ हम एक एक्सपांसन ऑफ एग्जीक्यूटिव को देख रहे हैं लाइन एंड स्टाफ एजेंसी को लेकर, जहाँ हेल्प एंड असिस्टेंस के लिए, क्योंकि एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स एरिया है जहाँ डिफरेंट प्रॉब्लम को डील किया जाता है, और हर एक व्यक्ति का बस यही कंट्रीब्यूशंस रहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस की रेस्पेक्टिव गोल्स को कैसे हम लोग रियलाइज करेंगे। तो एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स एरिया को डील करता है। दैट्स वाई इट नीड मोर हेल्प एंड असिस्टेंस। मोर आइज मीन्स व्हाट, मोर पीपल मस्ट बी इन्वॉल्व हियर। मोर लेग्स मोर हैंड्स दैट मीन्स मोर एंड मोर पीपल, मोर देयर पार्टिसिपेशन शुड बी इन्वॉल्व हियर, सो दैट इट विल हेल्पफुल फॉर देम टू रियलाइज द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। सो लाइन स्टाफ एजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइन एजेंसी डिसीजन मेक करता है एंड स्टाफ एजेंसी उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है, और उसी के साथ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होता रहता है। तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड बाय मूनी एंड रेली थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। देयर आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड एस्पेक्ट दैट इज द क्रिटिसिजम्स एस्पेक्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। सो व्हाट इज द क्रिटिसिजम्स दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट क्रिटिक्स। सो नो डाउट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो मूनी एंड रेली प्रोपाउंड किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस को क्रिएट करता है, कोऑर्डिनेशन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिस से फोकस करता है, स्केलर प्रोसेस को एम्फासाइज करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे एफिशिएंसी को अटेंड करेगा इसको फोकस करता है। उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ग्राउंड्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस आल्सो दिस थ्योरी इज नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिजम्स। सो व्हाट इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिजम्स हियर वी फाइंड, फर्स्ट दैट इज इट नेग्लेक्टेड ह्यूमन डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अर्लियर भी मैंने बताई हूँ,
क्लासिकल थ्योरी जो है, जितने भी थ्योरीज हम यहाँ देखते हैं, वो सभी थ्योरी में टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को फोकस किया गया है. फर्स्ट, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, एंड नंबर टू, दैट इज मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को. जहाँ ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिकल थ्योरी क्या मानता है, एक मशीन मानता है, और जितने भी इंडिविजुअल्स वहाँ पर काम करते हैं वो जैसे कि मशीन की तरह ट्रीट होते हैं. तो यहाँ हम क्या नेग्लेक्टेड होते हुए देखते हैं, ह्यूमन डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को. यहाँ जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको, उनका साइकोलॉजी जो है, उनका जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, यहाँ फोकस नहीं किया गया है. बस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इकोनॉमी कैसे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट फंक्शनलाइजेशन के माध्यम से फुलफिल होगा, बस इसको ही फोकस किया गया है. सो वॉरेन बेनी ही ऑब्जर्व दैट द फोकस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी इज ओनली ऑन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पीपल. सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन वेहेमेंटली क्रिटिसाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ द क्रिटिक्स. Simultaneously, Marx and Simon, they also called it a machine model. Classical theory organization को एक machine मानता है, individuals को totally भी यहाँ focus नहीं किया गया है, बस structural और mechanical part को importance दिया गया है. तो इसी के वजह से administrative theory क्या है, एक machine model है, और इसको most machine model कौन मानते हैं, Marx and Simon. सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिजम्स, लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी. द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क टेल्स वेरी लिटिल अबाउट हु द टास्क शुड एक्चुअली डिवाइड. तो यहाँ जो प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क देखते हैं, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन देखते हैं, तो यहाँ बहुत ही कम ही कहा गया है कि कौन टास्क को कैसे डिवाइड किया करेगा, और कैसे काम को और टास्क को डिवाइड किया जाएगा. तो इसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ है, बस कहा गया है कि टास्क को डिवाइड करना है डिपार्टमेंट को लेकर, और डिफरेंट ऑफिशियल्स उनके डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन फंक्शंस रहेगा, तो उसको स्पेसिफिकली और एलैबोरेटली सिस्टमेटिकली यहाँ लिखा नहीं गया है और डिस्क्राइब नहीं किया गया है. दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इट लैक्स स्पेसिफिसिटी. थर्ड इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिजम्स, हर्बर्ट साइमन क्रिटिसाइज किए हैं कि जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंडर, स्पेशली जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ हम देखते हैं, उसको हर्बर्ट साइमन एक मियर प्रभाव डिस्क्राइब किए हैं जिसका कोई साइंटिफिक वैलिड नहीं है, और लेक यूनिवर्सल एप्लीकेशन आल्सो. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिजम्स है. तो हर्बर्ट साइमन की एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना कि कौन डिस्क्राइब करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एज मियर प्रभावस, बिकॉज दे साइंटिफिकली नॉट वैलिड एंड दे लेक यूनिवर्सल एप्लीकेशन. तो इसको याद रखना. देयर आफ्टर नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, दैट इज द क्लासिकल थ्योरी ओवर सिंप्लीफाइड ह्यूमन मोटिवेशन बाय एज्यूमिंग ईच वर्कर टू बी एन इकोनॉमिक मैन हु इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग इनकम. तो यहाँ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हम ज़्यादा ही एम्फासिस करता हुआ देखते हैं, और बस एक ही मकसद है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनकम. तो यहाँ जो वर्कर्स रहते हैं उनका सेटिस्फेक्शन को नहीं देखा जाता है, बस जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो मेन जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं और जो जिनका लीडिंग पार्ट रहता है ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बस उसको ही फोकस किया गया है. दैट्स व्हाई इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड. द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, व्हाट इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए नॉर्मेटिव थ्योरी.
because it is concerned with what ought to be rather what it is. तो यहाँ नॉर्मेटिविज्म को देखते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा करता है तो क्या होता है. तो यहाँ रियलिटी को फोकस नहीं किया जाता है, प्रेजेंट को साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया जाता है, बस ऑट टू बी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है. व्हाट इट इज, इट हैज बीन नॉट फोकस्ड क्लियरली. द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म हियर इट इज, इट इज क्रिटिसाइज्ड एज मैकेनिस्टिक बिकॉज आलियर भी हम लोग देखे हैं इस क्रिटिसिजम्स को, बिकॉज इट इज मच मोर कंसर्न विद द वर्क रेदर देन द वर्कर. वर्क को ज़्यादा ही फोकस करता है, वर्कर को फोकस नहीं करता है. दैट्स वेल इट इज एंटी ह्यूमनिस्टिक और इट इज मैकेनिस्टिक वन. सो Gulick basis of departmentalization has also been criticized by Simon as ambiguous. इसको हम later part की video जो आएगा इसको हम clearly analysis करेंगे. तो यहाँ बहुत सारे criticisms हैं जो कि anti-humanistic है, organization को ज़्यादा focus करता है और जो structural part है उसको ज़्यादा focus करता है, economic development को ज़्यादा ही focus करता है, human beings को, workers को, उनका satisfaction को टोटली नेग्लेक्ट करता है. दैट्स वाई इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट क्रिटिक्स. बट बिसाइड्स ऑल दिस ग्राउंड्स ऑफ क्रिटिसिजम्स वी कांट लेग बिहाइंड इट्स सिग्निफिकेंस पार्ट ऑल्सो, बिकॉज दिस थ्योरी हैड ऑल्सो प्रोवाइडेड इम्पॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस. सो लेट्स सी वॉट इट्स सिग्निफिकेंस. फर्स्ट, इट डेवलप्ड इट्स साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड consideration of administration as a separate activity. Thereafter, important role in rationalizing and simulating production and the classical principles are still found useful in organizational analysis. So, बहुत सारा important contributions को हम देख रहे हैं. First important contributions जो है इसके वजह से हम क्या पा रहे हैं, एक प्रॉपर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पा रहे हैं, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक सेपरेट एक्टिविटी है, जहाँ प्रॉपर साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक वर्क, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, उनके बीच कोऑर्डिनेशन और जो हायरार्की कैसे मेंटेन रहेगा, एक स्केलर प्रोसेस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस को क्रिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. ऑफ कोर्स इट फोकसेस अपॉन द स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस थ्योरी हैज प्रोवाइडेड ए वैल्यूएबल ग्राउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रिंगिंग अबाउट इट्स एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी of the classical theory of organization. But there we find these two important thinkers who are from America, and through their book In Onward Industry and the Principles of Organizations, how they have been successfully placed four important principles of organization. That is the first important, coordination, second the scalar process, third one that is the functional specialization, and fourth one the line and staff agency and their important role to bring about the respective goals in different period of time. So students, these are the most important part of our administrative theory or that has been propounded by Mooney and Reilly. In the second video, in the third video we will analyze about the Luther Gulick concept of administrative theory. So hope you understand. If there will be any kind of doubts, please provide your any kind of doubts through your comments. And if you like this video, please provide your likes, and see you in next class then. Till then, goodbye, have a nice day.